स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाइकर सारजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आपसे भी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं TBS कंपनी की सभी बाइक का धमाकेदार ऑफ़र और सभी बाइक का ऑनरोड शोरूम प्राइस। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस दिवाली माँ धमाका ऑफ़र, क्या ऑफ़र चल रहा है दोस्तों TBS बाइक पर, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि दोस्तों हमने अभी यानी आज से करीब एक दिन पहले, दो दिन पहले बजाज कंपनी का सभी बाइक का ऑफ़र बताया था और फाइनेंस डिटेल्स भी मैंने बताया था। आज मैंने होंडा की जो सभी बाइक है उसका मैंने फाइनेंस डिटेल्स और ऑफ़र बताया है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार एंड सपोर्ट दिखा रहे हो, आप लोग सब्सक्राइब भी ठीक ठाक कर रहे हो मेरे भाई, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई, बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई, और आप सब्सक्राइब जो करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब वाला बटन आप लोग दबा दें मेरे भाई, ठीक है। और जिन लोगों ने दबा के रखा है उन्हें तहे दिल से सलाम शुक्रिया मेरे भाई, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे कुछ ना कुछ मिलता है कहीं ना कहीं और मेरा हौसला बुलंद होता है। तो आप लोग ऐसे ही हौसला बुलंद कीजिए और चलिए जानते हैं कि TBS की बाइक का क्या प्राइस है और क्या ऑफ़र चल रहा है TBS की बाइक पर। तो TBS की सबसे पहले बात करेंगे जो कि मोस्ट पॉपुलर बाइक है इंडियन टू व्हीलर मार्केट की, TBS अपाची। जी हाँ दोस्तों, TBS अपाची में कई सारे मॉडल्स हैं TBS के पास, TBS अपाची RTR 2B, TBS अपाची RTR 4B, TBS अपाची 310, ठीक है, और अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है TBS अपाची 310 KTM लुक में, ठीक है। तो कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, ठीक है। आप भी गुस्सा हो जाओगे कि भाई कितना बार सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई आदत है तो बुला जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे TBS अपाची 2B के बारे में जो कि बहुत ही पॉपुलर है। TBS अपाची 2B में दोस्तों यहाँ पे 5000 तक का कैश डिस्काउंट है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा कि भाई 15000 तक का कैश डिस्काउंट है TBS की बाइक पर, तो सभी बाइक पर नहीं है, कौन सी बाइक पर 15000 तक का डिस्काउंट है और किस पर नहीं है सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो TBS अपाची फर्स्ट में आपको TBS अपाची जो 2B है उसमें आपको 5000 तक का कैश डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, नगद में लेते हैं। तो फाइनेंस में लेते हैं तो फाइनेंस में दोस्तों यहाँ पे आपको कम से कम डाउन पेमेंट यानी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 25000 से लेकर 30000 जमा करके आप लोग TBS अपाची को फाइनेंस आराम से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 25000 जमा करके आप लोग एक साल से लेकर यहाँ पे 3 साल तक का किस्त का स्कीम है, आप लोग फाइनेंस करवा सकते हैं। और चलिए आप जानते हैं TBS अपाची का प्राइस क्या है। TBS अपाची सिंगल डिस्क का प्राइस हो गया दोस्तों 151000 और डबल डिस्क का 155000, ठीक है, डबल डिस्क का ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ दोस्तों 2B का, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों TBS अपाची 4B का, तो TBS अपाची में भी दोस्तों आपको 7000 तक का 4B जो मॉडल है उसमें आपको कैश डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। फाइनेंस में लेते हैं तो 7 डाउन पेमेंट यानी 25000 जमा करके आप लोग फाइनेंस करवा सकते हैं। बात करेंगे TBS अपाची 4B का ऑनरोड शोरूम प्राइस के बारे में, तो TBS अपाची जो 4B है उसका दोस्तों ऑनरोड शोरूम प्राइस आपको पड़ जाएगा सिंगल डिस्क का 156000 के आसपास में और डबल डिस्क का 163000 के आसपास में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों प्राइस TBS अपाची 2B का 4B से मतलब 4B का 2B से ज़्यादा है। देखा जाए तो दोस्तों इंडियन टू व्हीलर मार्केट में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है 2B को और 4B को बहुत कम पसंद किया जाता है, क्योंकि भाई अगर 4B को ज़्यादा पसंद किया जाता तो TBS अपाची 2B से ज़्यादा 4B का सेल होता, लेकिन ऐसा नहीं है, TBS अपाची 2B का सेल ज़्यादा है और 4B का थोड़ा सा कम है, ठीक है। बाकी अपने अपने जगह पर बाइक परफेक्ट है, कोई भी बाइक यहाँ पे गलत नहीं है और ना कोई बाइक पूरा सही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाइक में कमी रहती है और कुछ ना कुछ मतलब खूबी रहती है, तो अपने अपने जगह पर बाइक परफेक्ट है। चलिए जानते हैं दोस्तों TBS एंटॉर्क स्कूटी, जैसे कि अभी आप ये वीडियो में देख पा रहे हैं TBS एंटॉर्क स्कूटी, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन दोस्तों TBS राइडर को हम कैसे छोड़ सकते हैं, TBS राइडर के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। TBS राइडर का जो ऑफ़र है दोस्तों TBS राइडर में, TBS राइडर 125 में जो ऑफ़र है उसमें दोस्तों आपको बड़ा ऑफ़र कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। उसमें दोस्तों आपको यहाँ पे 10 से लेकर 15000 तक का कैश डिस्काउंट है। जी हाँ दोस्तों, 10 से 15000 तक का यहाँ पे कैश डिस्काउंट है यदि आप लोग कैश में लेते हैं, और फाइनेंस में लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 20000। जी हाँ दोस्तों, 20000 जमा करके आप लोग फाइनेंस करवा सकते हैं, एक साल से यहाँ पे 3 साल तक का किस्त का स्कीम है। देखिए TBS राइडर में आपको 2 मॉडल्स मिलता है, एक टॉप मॉडल, एक थोड़ा सा मीडियम मॉडल। TBS राइडर आपको विदाउट TFT कंसोल वाला, उसका दोस्तों प्राइस आपको देखने को मिल जाता है 117000। जहाँ दोस्तों अप्रोक्स 117000 के आसपास में ऑन रोड शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है, और जो कि टॉप मॉडल है TBS राइडर 125 जो कि TFT मीटर कंसोल वाला है, उसका ऑन रोड शोरूम प्राइस आपको देखने को मिल जाता है 125000 के आसपास में। जी हाँ दोस्तों, 125000 के आसपास में ऑन रोड शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ये बाइक लॉन्च हुई है
2021 में शायद, हाँ 2021 में ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च हुई है। तब से इंडियन टू व्हीलर मार्केट में तहलका मचा हुआ है। 125 सीसी में कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी अच्छा सेल टीवीएस राइडर के थ्रू कर रही है फिलहाल। यानी दोस्तों आज से करीब 5 साल पहले, यानी आप पीछे चले जाएंगे, यानी दो चार साल पीछे चले जाएंगे, तो टीवीएस के पास टीवीएस में 125 सीसी में कोई भी बाइक नहीं थी। तो टीवीएस ने टीवीएस राइडर 125 को लॉन्च कर दिया है, जो कि टीवीएस काफ़ी अच्छा काम किया है और काफ़ी अच्छा सेल भी है। देखिए बेसिकली टीवीएस कंपनी में दो ही बाइक का ज़्यादा सेल है, टीवीएस लूना जो कि एक कंफर्ट मॉडल है, एक्सल 100 जो कि बुजुर्ग लोगों के लिए बाइक है, और टीवीएस अपाची। दो ही बाइक का ज़्यादातर सेल है, बाकी सब बाइक तो सेल है लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेल होता है टीवीएस अपाची और लूना। तो कहीं ना कहीं और एक पहचान यहाँ पर निकल के आता है टीवीएस राइडर भाई। टीवीएस कंपनी का मतलब जो जान था वो टीवीएस अपाची था और टीवीएस लूना एक्सल 100 था, लेकिन कहीं ना कहीं राइडर का भी हाथ शामिल अब हो गया है, क्योंकि राइडर से भी पहचान बन रहा है टीवीएस का। क्योंकि कोई भी लोग देखते हैं तो ये कहते हैं कि भाई ये कौन सी कंपनी की बाइक है, वो अच्छा टीवीएस की कंपनी की बाइक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं टीवीएस कंपनी का नाम होता है। तो टीवीएस राइडर का भी आप लोग आई होप के समझ गए होंगे, प्राइस भी मैंने बता दिया है। अब स्कूटी के बारे में बात करेंगे, फिर टीवीएस स्पोर्ट के बारे में बात करेंगे, फिर स्टार सिटी के बारे में बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे भाई, पहले के मुकाबले अप्रोक्स 10 मिनट का ही वीडियो रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो टीवीएस एंटॉर्क में भी का जो प्राइस है दोस्तों, वो आपको प्राइस सेम देखने को मिलता है राइडर के, राइडर से मिलता जुलता टीवीएस एंटॉर्क की स्कूटी जो कि 125 सीसी की स्कूटी है, उसमें भी आपको सेम प्राइस देखने को मिलता है 1,18,000, यानी अप्रोक्स उसी के आसपास में ऑनरोड शोरूम प्राइस देखने को मिलता है। तो उस स्कूटी पर भी दोस्तों यहाँ पे आपको 15,000 तक का कैश डिस्काउंट है। यदि आप लोग कैश में लेते हैं और फाइनेंस में लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग 15 से 20,000 जमा करके आप लोग इजीली फाइनेंस करवा सकते हैं। भाई इतना कुछ तो मैं बोल दिया हूँ, लेकिन शोरूम का एड्रेस मैंने अभी तक नहीं बताया है, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। शोरूम का एड्रेस है अनन्या टीवीएस, अनन्या टीवीएस रामगढ़ दुमका झारखंड। देखिए दोस्तों दूसरे शोरूम का नाम आ गया था, होंडा शोरूम का नाम मैं बोल रहा था, क्योंकि थोड़ा सा जहन मुंतशिर हो जाता है, यानी थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा जो है ना इधर उधर भटक जाता है बोलते बोलते, क्योंकि भाई एक सांस में वीडियो में भाई कहीं पर भी एडिट नहीं है, कहीं पर भी कोई कट नहीं है, एक सांस में भाई 10 मिनट तक मुझे बोलना है और सभी बाइक का प्राइस भी बताना है, कहीं पर मैं ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब आप लोगों का प्यार है, वरना भाई क्या हुनर है मेरे अंदर, क्या टैलेंट है, बस आप लोगों का प्यार है जो इतना कुछ करवा देता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई टीवीएस एंटॉर्क में भी आपको 10 से 15,000 तक का कैश डिस्काउंट है, जिसका प्राइस दोस्तों आपको 1,18,000 के आसपास में ऑन रोड शोरूम प्राइस है, और उस पर भी दोस्तों धमाकेदार ऑफर है। फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 15,000 जमा करके आप लोग फाइनेंस करवा सकते हैं कहीं ना कहीं। अब हम जानेंगे दोस्तों टीवीएस स्पोर्ट के बारे में, जो कि टीवीएस कंपनी की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली बाइक है और सबसे ज़्यादा सस्ती बाइक है, टीवीएस एंटॉर्क 125। जी हाँ दोस्तों, टीवीएस एंटॉर्क 125 नहीं, सॉरी टीवीएस एंटॉर्क का तो 125 है, टीवीएस स्पोर्ट 110। भाई मिस्टेक पर मिस्टेक हो रहा है आज बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है बोलने में। तो टीवीएस स्पोर्ट 110 सीसी बाइक का सबसे कम प्राइस है कहीं ना कहीं दोस्तों 78,000 ओनली ऑन रोड शोरूम प्राइस है। 78,000 में भाई क्या लोगे, 110 सीसी की बाइक टीवीएस प्रोवाइड कर रही है सिर्फ 78,000 में। तो जिसका दोस्तों ये उस बाइक में आपको बहुत ही अच्छा ऑफर देखने को मिलता है, उस बाइक में आपको दोस्तों यहाँ पे 15,000 तक का यहाँ पे आपको कैश डिस्काउंट ऑफर, और सिर्फ सिर्फ इस बाइक को फाइनेंस कराने के लिए आप 5,999 यानी दोस्तों 6,000 आप लोग जमा करके इस बाइक को इजीली आप लोग फाइनेंस करवा सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे टीवीएस एक्सल 100, जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि भाई टीवीएस कंपनी में सबसे ज़्यादा टीवीएस अपाची के बाद अगर किसी का सेल है तो टीवीएस लूना जो है उसी का सेल है। तो उस पर दोस्तों उसका क्या प्राइस है, देखिए अभी टीवीएस ने लूना में 3 मॉडल्स कर दिया, टीवीएस एक्सल 100 विदाउट सेल्फ, टीवीएस एक्सल 100 सेल्फ वाली हैवी ड्यूटी, टीवीएस एक्सल 100 कम्फर्ट, तीन ही मॉडल्स का अलग अलग प्राइस है। हैवी ड्यूटी का दोस्तों प्राइस है 68,000, एक का प्राइस है 70,000, एक का प्राइस है दोस्तों 55,000 जो कि विदाउट सेल्फ वाली है, ठीक है एक्सल 100 में। तो उस पर भी दोस्तों धमाकेदार ऑफर है, उसमें दोस्तों आपको यहाँ पे कैश डिस्काउंट देखा जाए तो 5,000 तक का कैश डिस्काउंट है, और फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो 5,000 जमा करके आप लोग फाइनेंस करवा सकते हैं, क्योंकि अभी फेस्टिवल का टाइम है, नो प्रोसेसिंग चार्ज, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट बहुत कम लगेगा, और अभी फेस्टिवल का टाइम है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग आकर्षक उपहार ले सकते हैं, आकर्षक मौका को आप लोग मौका में चौका आप लोग मार सकते हैं। तो लगभग दोस्तों फिलहाल जो भी हमारे पास स्टॉक था टीवीएस कंपनी का, सभी बाइक का मैंने प्राइस और फाइनेंस में यानी कितना जमा कर सकते हैं और ऑफर सब कुछ मैंने बताया है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। टीवीएस की सभी बाइक पर फाइनेंस डिटेल्स या फिर स्पेशल कौन सी बाइक पर आपको फाइनेंस डिटेल्स समझना है, प्लीज़ यार कॉमेंट बॉक्स में
कमेंट में बाइक का नाम लिख के कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह मैं ये टॉपिक कवर करूँगा और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत जल्द TVS अपाची या फिर TVS कंपनी की कोई स्पोर्ट बाइक का वीडियो लाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत